गाजियाबाद नगर निगम दिवाली से पहले जिला गाजियाबाद को अंधेरा मुक्त करने के प्रयास में लगा हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबाद शहर के अंदर सभी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने के कार्य चलाए हुए हैं। अभियान के तहत गाजियाबाद के 7 वार्ड के अंदर कार्य पूरा किया जा चुका है, वहीं बाकी के बचे वार्ड में भी दिवाली से पहले कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसी साथ गाजियाबाद शहर को गड्ढा मुक्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर भी मानते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक होने से सड़क हादसों में भी गिरावट आएगी। सर, दिवाली से पहले शहर को अंधेरा मुक्त करने का अभियान चल रहा है, कितनी तैयारी की जा रही है? कुछ टाइम पहले मुझे लगता है कि 5-6 महीने हम लोग एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, तो उस दौरान जो है हमारे काफ़ी बैकलॉग लाइटों में क्रिएट हुआ था, तो उस चीज़ को समझते हुए जब सर्वे कराया गया तो 12-13 हज़ार लाइटें हमारी ख़राब पाई गई थी, तो उसको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने शुरू किया और ये टारगेट हम लोगों ने तय किया था कि दिवाली से पहले हम अपनी सारी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको ठीक करेंगे, जो बैकलॉग है कम से कम उसको ख़त्म करेंगे। रूटीन में अगर कुछ लाइट्स अगर ख़राब होती हैं तो उनको भी अटेंड हम लोग टाइमली करेंगे। तो मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक हम लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं और अगले 1 वीक में दिवाली से काफ़ी पहले हम लोग अपने शहर के जो सभी लाइटें हैं उनको हम ठीक कर लेंगे। और काफ़ी सारे हमारे पार्षदगणों ने मुझे लिख के भी दिया है कि उनके यहाँ की लाइटें जो हैं ठीक हो गई हैं, तो करीबन हम लोगों ने 60 वार्ड जो हैं सेचूरेट कर लिए हैं और भी जो वार्ड बचे हुए हैं उनको भी हम लोग अगले एक सप्ताह में पूरा कर लेंगे। और उसके बाद एक हफ्ता हम लोग लगाएंगे क्रॉस चेक कराने के लिए कि अभी भी कहीं पे कोई लैग है या कोई गैप है तो उसको दूर करेंगे। सर, किस तरीके से आपको विचार आया कि इस तरीके से स्ट्रीट लाइट ठीक कराने का, किस तरीके से शिकायत वगैरह आती थी? मुझे लगता है कि जब लाइटें आपकी ख़राब होती हैं तो विचार करने की आवश्यकता होती नहीं है। लोग जन चौपाल हम लोग लगा रहे हैं, तो हर जब आप पूरे गाज़ियाबाद के लोगों से 1 महीने में मिल लेते हैं तो आपको गाज़ियाबाद की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं सामूहिक रूप से जो समस्याएं होती हैं उनका अब संज्ञान अपने आप हो जाता है। ऐसा कोई हमारा कोई टारगेट नहीं है कि कितना बजट इस पर खर्च किया जाएगा, नीड बेस्ड। जैसे जहाँ पे कुछ लाइटें ऐसी हैं जो केवल जिसमें कार्बन जमा हो गया था उनको केवल रिपेयर करना था, कुछ लाइटें ऐसी हैं जिनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगने हैं चाहे ड्राइवर हैं चाहे लाइट रिप्लेस करनी है, इस प्रकार का है। तो नीड बेस्ड चीज़ें जो हुई हैं उनका परमिशन लेके प्रोसीजर अपना के गवर्नमेंट रूल्स जो हैं उनको फॉलो करके हम लोगों ने इसको किया है। इसके बाद हम लोग इसको जज करेंगे कि इसको ठीक करने में कितना हमारा बजट लगा। सर, प्रॉपर लाइटिंग की वजह से नहीं होने की वजह से रोड एक्सीडेंट ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो क्या मानते हैं उसमें भी गिरावट आएगी? मुझे लगता है कि जब मार्ग प्रकाश आपका अच्छा होता है तो कई उसके और भी बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। एक सुरक्षा का माहौल पैदा होता है और दूसरा हमारा जो लाइटें लगने होने से जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनको भी सुगमता होती है। इसके साथ साथ में गड्ढे भी हम लोगों ने सारी सड़कों पर भरवाए हैं, तो उससे भी मुझे लगता है कि एक अच्छा लाभ मिलेगा। थैंक यू। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही है, ओनली ऑन डेली हंट।